हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एचटेट दिसंबर 2021 का जो पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो पोर्शन था आज वो करेंगे। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट का था मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे फिर वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ यही करेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जो भी 20 क्वेश्चंस आते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स एचटेट के अंदर, वो क्वेश्चन पिछले साल किस टाइप के आए हुए थे और किस तरह से उन्हें सोल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द लेंथ ऑफ ए वायर इज 66 मीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द लेंथ ऑफ ए वायर इज 66 मीटर, ये आपको गिवन है। फिर क्या कहा गया है, देन द नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ द सर्कमफेरेंस, देन द नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ सर्कमफेरेंस कितनी, 1.32 सेंटीमीटर, 1.32 सेंटीमीटर। That can be made from the wire. That can be made from the wire. यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, एक वायर है जिसकी लेंथ है 66 मीटर। आपको बताना है कि 1.32 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस के कितने सर्कल्स आप उस वायर से बना सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, टोटल लेंथ आपको पता है और एक सर्कल की लेंथ आपको पता है, सर्कमफेरेंस क्या होगा अगर इस पॉइंट से शुरू करूँ मेजर करना और वापस इसी पॉइंट पे आ जाऊँ, तो अगर इसे सीधा करूँगा यहाँ से ब्रेक करके तो क्या करेगा, एक वायर का एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ये इस वायर का ही पार्ट है ये। ठीक है, टोटल लेंथ वायर की कितनी है, 66 मीटर। ठीक है, और आपको इतनी लेंथ के, ये कितनी लेंथ है, 1.32 सेंटीमीटर लेंथ लेके सर्कल बनाने हैं इस वायर से, और वो कितने सर्कल बनेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ डिवाइड बाई अगर मैं ये लेंथ कर दूँ तो आपके पास नंबर ऑफ सर्कल्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, वहाँ पर लेंथ कितने में दी हुई है, मीटर के अंदर, 66 मीटर। ठीक है, लेंथ आपके पास 66 मीटर के अंदर। ठीक है, और जो सर्कल हैं ये, इनकी सर्कमफेरेंस कैसी है सेंटीमीटर के अंदर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या है कि अगर 1.32 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, इसको अगर मीटर में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 100 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो या तो इन मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स किसके इक्वल होंगे, ये जो लेंथ है डिवाइड बाई ये वाली लेंथ। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में अगर लिखूं तो क्या होगा, 66 × 100 सेंटीमीटर। नीचे आपके पास क्या है, 1.32 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इस डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो ऊपर क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने आपके पास डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। ठीक है, तो ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी डेसिमल यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अगर 2 पे चलाऊँ तो क्या आएगा, 66 × 2 करूँगा तो 132 आएगा। ठीक है, अब 2 को यहाँ पे करूँ तो क्या आएगा, 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर × 100 इसके इक्वल आएगा, सेंटीमीटर नीचे भी है, नीचे भी ऊपर भी है, कट गया, तो 50 × 100 आपके पास कितना आ गया, 5000। ठीक है, इसके अंदर आपका ये फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन थे इसके अंदर आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन था 1000 आपके पास क्या बनेंगे, सर्कल्स बनेंगे, सेकेंड था आपके पास 50 सर्कल्स बनेंगे, थर्ड था आपके पास 500 बनेंगे, और थर्ड है आपके पास वो फोर्थ है 5000 बनेंगे। ठीक है, तो कितने बनेंगे आपके पास, 5000, इतनी सर्कमफेरेंस की आप सर्कल्स बना सकते हैं 66 मीटर ऑफ लेंथ वायर की अगर आपको दी हुई है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या था, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए ट्रेन 140 मीटर्स लॉन्ग, ट्रेन क्या है, ए ट्रेन
इज 140 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, एक 140 मीटर लंबी क्या है ट्रेन है, इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड से वो क्या कर रही है, चल रही है। फिर क्या है आपके पास, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म, हाउ मच टाइम विल इट टेक, क्या करने के लिए, टू पास ए प्लेटफॉर्म, टू पास ए प्लेटफॉर्म 260 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, तो आपको ये बताना है ट्रेन की लेंथ आपके पास कितनी है 140 मीटर, प्लेटफॉर्म की कितनी है 260 मीटर, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि आपको डिस्टेंस भी दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है, आपको क्या बताना है टाइम, ठीक है, और फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, टाइम आपको बताना है, तो अगर स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो डिस्टेंस स्पीड है किलोमीटर पर आवर के अंदर और आपके पास डिस्टेंस किसके अंदर है, मीटर के अंदर, ठीक है, तो इसको या तो मीटर के अंदर चेंज कर लो या फिर इनको किलोमीटर के अंदर चेंज कर लो, ठीक है, लेकिन आंसर के अंदर आपके पास क्या है, टाइम सेकंड्स के अंदर दिया हुआ है, यानी कि इसको ही आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 60 किलोमीटर 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा 1000 मीटर, ठीक है, और 1 आवर इज इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड्स, तो इंटू 60 इतनी क्या होंगी सेकंड्स, एक घंटे में कितनी सेकंड होंगी 3600 सेकंड, ठीक है, और एक किलोमीटर में मीटर कितने होंगे 1000 मीटर, ठीक है, और आपकी ट्रेन की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूं इनटू किलोमीटर की जगह क्या लिख दूं 1000 मीटर डिवाइड बाई आवर की जगह क्या लिखना है 300 सेकंड, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है, अगर दो से कैंसिल करूं दो पंजे दस और 18 दूनी 36 5/18, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर के अंदर कोई भी स्पीड दी हुई है और अगर उसे आपको किस में चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी किलोमीटर पर आवर के अंदर उसको 5/18 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, किसके अंदर चेंज हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी कि स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में क्या आएगी 60 × 5/18, ठीक है, ये आपकी स्पीड आएगी, और आपकी डिस्टेंस कितनी है 140 मीटर्स ये है, यानी कि क्या दिया हुआ है ट्रेन, ये मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है 140 मीटर, ठीक है, और ये आपका क्या है प्लेटफॉर्म है, ये कितना है 260 मीटर, ठीक है, इस ट्रेन को इसे पास करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से जब ये इसके इस कॉर्नर पे आएगी तो यहीं से काउंट करेंगे ना, कि यहाँ से इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार कब करेगी, जब ऐसे चलती जाएगी ट्रेन, जब पूरा यहाँ ट्रेन का जो लास्ट एंड है वो इस एंड के ऊपर पहुँच जाएगा, तब क्या हो जाएगा आपकी जो ट्रेन है वो इसे कम्प्लीटली पास कर देगी, ठीक है, तो जब ये आपकी ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट लेंथ कवर कर देगी पूरा प्लेटफॉर्म को, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया ना, अगर ट्रेन का फर्स्ट पार्ट से आप मेजर करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं मेजर करना शुरू करूँ तो इस पॉइंट से फर्स्ट पार्ट कहाँ पर जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, अगर लास्ट से मेजर करना चाहते हैं तो लास्ट एंड पॉइंट कहाँ पर है ट्रेन का, यहाँ पर, और एंड पॉइंट अब पार करने के बाद कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर की है ट्रेन ने, या तो ये डिस्टेंस लगा लो कि यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये लगा लो यहाँ से यहाँ तक, दोनों में क्या है 260 मीटर ये है, और जो आपकी ट्रेन की लेंथ है वो भी इसके अंदर ही काउंट हो रही है, ये भी आपने क्या करनी पड़ेगी, इसने ट्रेन ने कवर करनी पड़ेगी, तो टोटल आपके पास कितनी डिस्टेंस कवर की है 260 मीटर प्लस 140, ठीक है, कितना हो गया 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर, ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस क्या है 400, स्पीड क्या है आपके पास 16 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस कितनी थी 400 डिवाइड बाई ये है 16 × 5/18 आपका ऊपर चला गया, ठीक है, ये हो गया, अब क्या होगा इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, 6 से ये 3 पे चला गया और 5 से ये 8 पे चला गया, तो
ये आपका कितना होगा, 8 इंटू 3 करूँगा क्या आएगा 24, तो ये आपकी कितनी होगी 24 सेकंड आपका क्या आ गया टाइम, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, मीटर था, 400 मीटर था ना, 400 मीटर डिवाइड बाई स्पीड कितनी थी आपकी 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड आपका ऊपर चला जाएगा, 18 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 400 गुना में 18 डिवाइड बाई 60 गुना में 5 आपके पास कितना आएगा 24 सेकंड, ठीक है। तो ये था आपके पास टाइम, इसके अंदर आपका था ये सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास 18 सेकंड में कवर कर देगी, सेकंड था आपके पास 24 सेकंड, थर्ड था आपके पास 30 सेकंड और फोर्थ था आपके पास 32 सेकंड, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन थे, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या था, सही था, ठीक है। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन। ए क्लोथ मर्चेंट ओन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ, ए क्लोथ मर्चेंट ओन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ, यू नहीं आएगा सॉरी, क्लोथ ऑब्टेन ए प्रॉफिट इक्वल टू, ऑब्टेन्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लोथ, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है। आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। अगर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे क्या हुआ है, जितना 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस है उसके बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर कपड़ा लिखा हुआ है, कुछ और भी दे सकता है कि 33 चीज़ें बेचने पर 11 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। या फिर विक्रय मूल्य की जगह यहाँ पर क्रय मूल्य भी हो सकता था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस के इक्वल, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ कि एक मीटर कपड़ा एक रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो 33 मीटर कपड़ा कितने में बेचेगा, 33 रुपये में, और 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट, यानी कि 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, टोटल 33 रुपये की उसने बिक्री की, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, 33, प्रॉफिट कितना है 11, कॉस्ट प्राइस का हमें पता नहीं, ठीक है, यानी कि x प्लस 11 किसके इक्वल है, 33 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 22, x किसके इक्वल आ गया, 22 के इक्वल, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी ना, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 11 रुपीज़ डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था, 22 इंटू 100, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 2 से ये आ गया 50, यानी कि 50% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे ऐसे करना है, ठीक है। ये आप कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है कुछ वस्तुओं का, अगर एम वस्तुओं का, एम थिंग्स का आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और एन थिंग्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एम चीज़ों को बेचने पर अगर एन चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ सीधा, कितनी चीज़ों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है, एन चीज़ों के, तो एन डिवाइड बाई क्या करना है, एम चीज़ें बेची हैं, एम माइनस क्या करना है आपको, जितनी चीज़ों के बराबर आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट, माइनस एन इंटू 100, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एम की वैल्यू कितनी थी, 33, यानी कि टोटल चीज़ें कितनी बेची थी, 33, प्रॉफिट कितनी के 11 मीटर जो क्लोथ था उसकी सेलिंग प्राइस के बराबर उसे क्या हुआ था, प्रॉफिट, यानी कि 11 चीज़ें का जो सेलिंग प्राइस था उसके बराबर उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 11, ठीक है। एम की वैल्यू क्या है, एम इक्वल टू 33 है, एन इक्वल टू क्या है आपके पास, 11, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। क्या करना है, 11 डिवाइड बाई
ये जो m है, n डिवाइड बाई क्या है, n डिवाइड बाई m माइनस n, तो n क्या है 11, डिवाइड बाई क्या है m माइनस n, 33 माइनस 11 इंटू 100, ये आपका क्या जाएगा परसेंटेज, ठीक है। ये क्या आएगा 33 माइनस 11 22 ही आएगा ना, यही तो यहाँ पर क्या था 11 बटे 22 गुणा में 100 किसके इक्वल आ जाएगा 50%, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसको 50% का, ठीक है। इस तरह से करना है, नेक्स्ट है इफ 4 मैन और 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, फोर्थ है आपके पास, इफ 4 मैन और 6 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 आवर्स पर डे, ठीक है। यानी कि या तो 4 आदमी या फिर 6 औरत, ठीक है, 4 आदमी भी उस काम को 12 दिन में कर देते हैं 7 घंटे हर रोज़ काम करके, और 6 औरतें भी उस काम को कितने दिन में कर देती हैं 12 दिन में 7 घंटे काम करके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हाउ मैनी डेज विल इट टेक, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट ए वर्क, टू कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज विद 10 मैन एंड 3 वीमेन वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स ए डे, ठीक है। ये है आपके पास, यहाँ क्या कहा गया है कि 4 आदमी या फिर ये और है एंड नहीं है, ठीक है, तो 4 आदमी या 6 औरतें किसी काम को करने में कितना टाइम लेते हैं 12 दिन लेते हैं, और हर एक दिन कितने घंटे काम करते हैं 7 घंटे, ठीक है। तो टोटल कितने घंटे काम किया, 12 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितने घंटे हो गए 84 घंटे, ठीक है। तो 4 आदमी और 6 औरतें हैं या फिर 6 औरतें, ठीक है, तो 4 आदमियों ने किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लिया 84 घंटे, ठीक है, और उसी काम को करने के लिए 6 औरतों ने कितना टाइम लिया, उन्होंने भी कितना टाइम लिया 84 घंटे, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो गया कि 4 आदमियों की जितनी कैपेसिटी है वही कैपेसिटी कितनी है 6 औरतों की, ठीक है, यानी कि 4 आदमी एक घंटे में जितना काम करते हैं उतना ही काम करने में एक घंटे में कितनी औरतें लगेंगी 6 औरतें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 4 मैन किसके बराबर हो गए 6 वीमेन के, ठीक है, और अगर दोनों को आप करूँ तो 2 मैन किसके इक्वल हो गए 3 वीमेन के इक्वल, ठीक है, 2 मैन किसके इक्वल हो गए 3 वीमेन के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारा जो है काम उसके अंदर क्या करना है, 10 मैन चाहिए और 3 वुमेन चाहिए, ठीक है, तो 3 वुमेन की जगह अगर मैं 2 मैन रख लूँ तो सेम ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम दोनों बराबर ही करेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग ना लेने के बजाय तो मैं 3 वुमेन की जगह 2 मैन ले लूँ तो टोटल कितने आदमी काम करेंगे 12 आदमी, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 आदमी किसी काम को करने के लिए कितना टाइम ले रहे थे 84 घंटे, ठीक है ना, 12 दिन में काम किया और 7 घंटे हर एक दिन काम किया, ठीक है, तो कितने घंटे काम किया 84 घंटे, 4 आदमियों को कोई काम करने के लिए कितना टाइम लगा 84 घंटे, ठीक है, तो आदमी कितने हो गए यहाँ पर 4 से 10 ये, और इन 3 वोमेन की जगह अगर 2 मैन रख दूँ तो कितने हो गए 12, ठीक है, तो आदमी कितने हो गए 3 गुना हो गए, ठीक है, आदमी कितने हो गए 3 गुना, तो काम को कितने टाइम में करेंगे, टाइम 3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, आदमी अगर 3 गुना हो जाएंगे तो टाइम क्या होगा 3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। पहले कितना टाइम ले रहे थे उस काम को करने के लिए 4 आदमी 84 घंटे, और अगर 12 आदमी लूँ तो उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेंगे, 4 का 3 गुना हो गया ना, तो 84 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 84 डिवाइड बाई 3 हो गया। लेकिन हमें काम कितना करना है इस बार, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कम्प्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज, पहले जो काम था वो 84 घंटे में हो रहा था लेकिन अब उसका डबल काम है, ठीक है, तो अगर वही काम होता तो ये 12 आदमी कितने टाइम में कर देते 84 बटे 3 घंटे में, ठीक है, लेकिन काम कितना है डबल, तो
गुणा में दो हो गया, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा, इतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब दिन पूछ रहा है, उसने घंटे पूछे नहीं, ठीक है। और एक दिन में पहले कितना घंटे काम करे थे, 7 घंटे, अब कितने घंटे काम करना है, 8 घंटे। ये क्या है, टोटल घंटे, पूरा काम करने के लिए कितने घंटे चाहिए, इतने घंटे, और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे। तो अगर टोटल जितना भी घंटे उन्होंने लिए हैं उसको अगर 8 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ से क्या आएगा, टोटल डेज, टोटल आवर्स कितने हैं, इतने, डिवाइड बाई अगर 8 कर दूं तो, या फिर ये लिख लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल डेज कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। 3 से अगर इसे कैंसिल करूं तो 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24, ठीक है। और ये आ गया 2 × 8 4 × 7 = 28, यानी कि 7 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे, 10 women and 3 women, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, 3 women किसके इक्वल थी, 2 men के इक्वल, ठीक है। क्योंकि एक ही काम को करने के लिए 4 men जितना टाइम ले रहे थे, 6 women उतना ही टाइम ले रही, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 4 आदमियों की जितनी कैपेसिटी है काम करने की, उतनी ही कैपेसिटी किन की है, 6 औरतों की, ठीक है। अब औरतें हमारे पास कितनी है, सेकंड हमारी जो कंडीशन है उसके अंदर 3, ठीक है। तो अगर 6 का ऑफ करूंगा तो क्या आएगा, 3, ठीक है। तो 4 का ऑफ कर दिया तो कितना आएगा, 2, यानी कि 2 आदमी जितना काम करेंगे उतना ही काम क्या करेंगी, 3 औरतें, ठीक है। तो इन 3 को हटाकर अगर मैं 2 men लिख दूं यहां पर, तो टोटल कितने मैन हो जाएंगे, 2 यहां से और 10 यहां से, टोटल हो गए 12। अब 4 आदमी उस काम को करने के लिए कितना टाइम ले रहे थे, 84 आवर्स, ठीक है। और 12 आदमी, यानी कि आदमी कितने हो गए, ट्रिपल हो गए, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। टाइम कर दिया हमने 1/3, 84/3 कर दिया, लेकिन काम इस बार क्या है, डबल, ठीक है। तो टाइम भी डबल लगेगा, काम अगर डबल हो गया तो टाइम भी डबल लगेगा ना, ठीक है। तो 84/3 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें घंटों में टाइम नहीं चाहिए, हमें दिनों में चाहिए। एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे टोटल जितने भी घंटे थे, कितना आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। 8 घंटे काम करना था एक दिन में, 8 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट करके आपके पास आंसर क्या आ गया, 7 डेज, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन थे 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज और 9 डेज, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या था, 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 + √2, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 + √2, ठीक है। ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, x² + 2x + 3, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 4, 2, 0 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है आपके पास 1, थर्ड है आपके पास 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 2, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बतानी है। क्या किया, x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1/1 + √2, रैशनलाइज कर दिया, √2 - 1 / √2 - 1, ठीक है। यानी कि √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू के अंदर, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, √2 - 1, नीचे क्या आ गया, √2 - 1 और √2 + 1, यानी कि a - b × a + b, क्या आएगा, a² - b², ये स्क्वेयर, यानी कि √2 का स्क्वेयर करूँगा तो क्या आएगा, 2, माइनस में 1 का स्क्वेयर करूँगा तो 1, 2 - 1 = 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, √2 - 1 के इक्वल। 1 को अगर इस साइड लेकर आऊँ क्या आ गया, x + 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, √2 के इक्वल। दोनों साइड अगर स्क्वेयर कर दूँ क्या आएगा, x² + 1 + 2x, यही आएगा इस साइड, किसके इक्वल होगा, √2 का स्क्वेयर करूँगा तो क्या आएगा, 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x² + 2x + 3, हमारे पास x² भी आ गया, 2x भी आ गया, 3 नहीं है, 1 है 3 की जगह पे। तो इक्वल के दोनों साइड अगर 2 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, इस साइड अगर 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, x² + 1 + 2 + 2x = 2 + 2, ठीक है। दोनों साइड 2 ऐड कर दिया ना, इधर भी 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 + 1 = 3 आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x² + 2x + 3 की, यहाँ भी क्या है, x² + 2x + 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, 4 के इक्वल। कोई ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 4, यही आपका क्या था, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6th क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको, एक लेटर की सीरीज दी हुई है, सीरीज है आपके पास CAE कोमा HFG
जी है या जे है? जे, एच एफ जे, पुमा। नेक्स्ट है एम के ओ, एम के ओ। उससे नेक्स्ट है आपके पास आर पी टी, आर पी टी। और नेक्स्ट आपको बताना है ऑप्शन हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है यू टी वाई, यू टी वाई। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है? यू डब्ल्यू यू वाई, डब्ल्यू यू वाई। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है? वी यू जेड, वी यू जेड। फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है? डब्ल्यू यू जेड, डब्ल्यू यू जेड। ठीक है, यहाँ से देखो, फर्स्ट फर्स्ट को मैच करो, सेकंड सेकंड को करो, थर्ड थर्ड को। ठीक है, सी में कितना ऐड करूँगा कि एच आएगा? डी ई एफ जी एच। सी में अगर पांच ऐड कर दूँ क्या आ जाएगा आपके पास? एच आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड किया? पांच। ए के अंदर अगर पांच ऐड करूँगा तो क्या आएगा? बी सी डी ई एफ। ए में भी पांच ऐड कर दिया तो क्या आ गया? एफ। तो यानी कि ए में पांच ऐड करने से क्या आया? एफ। ऐसे ही ई में अगर पांच ऐड करूँगा तो क्या आएगा? जे आएगा। ठीक है, तो पैटर्न पता चल गया कि ये जो सीरीज आई है इससे नेक्स्ट कैसे आएगा? फर्स्ट के अंदर पांच ऐड कर दो, फिर सेकंड के अंदर पांच ऐड कर दो, फिर थर्ड के अंदर पांच ऐड कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए इससे नेक्स्ट क्या होगा। इसके अंदर अगर पांच ऐड करूँगा तो क्या आएगा? आर के अंदर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि वर्ड किससे शुरू होगा? डब्ल्यू से। पी के अंदर अगर पांच ऐड करूँगा तो क्या आएगा? क्यू आर एस टी यू। सेकंड क्या होगा आपके पास? यू। ठीक है, डब्ल्यू यू से यहाँ पर दो शुरू हो रहे हैं, सेकंड में भी डब्ल्यू यू है और फोर्थ में भी डब्ल्यू यू है, यानी कि आपको लास्ट भी चेक करना पड़ेगा। टी, टी के अंदर अगर आप क्या करेंगे पांच ऐड, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, यानी कि लास्ट आपके पास क्या आएगा? वाई। इसके अंदर वाई है, इसके अंदर जेड है, तो ये नहीं होगा। सेकंड आपके पास क्या आएगा? डब्ल्यू यू वाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग फाइव पर्संस ए बी सी डी एंड ई। अमंग फाइव पर्संस ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, पांच लोग हैं। ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज शॉर्टर देन बी। ठीक है, बट टॉलर देन ई, बट टॉलर देन ई। क्या कहा गया है कि ए बी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है। ठीक है, सी इज द टॉलेस्ट, सी इज द टॉलेस्ट, सी सबसे लंबा है। डी इज शॉर्टर देन बी, डी इज शॉर्टर देन देन बी। डी किससे छोटा है? बी से छोटा है, बट टॉलर देन ए। डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। ठीक है, हु अमंग देम इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है? हु अमंग देम इज शॉर्टेस्ट। ठीक है, उनमें सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ से शुरू करते हैं। ए इज शॉर्टर देन बी। ठीक है, ए क्या है? बी से छोटा है। लाइन से पता करेंगे, मान लीजिए ये ए है। ठीक है, ये आपका ए है, ये क्या है? क्या दिया हुआ है? बी से छोटा है। तो इससे बड़ी एक लाइन ड्रा कर लीजिए, इसको नाम दे दिया बी। ए बी से छोटा है, जो भी कंडीशन दी थी वो हमने सेटिस्फाई करवा दी। ठीक है, बट टॉलर देन ई। ठीक है, ए क्या है? बी से तो छोटा है लेकिन क्या है? ई से बड़ा है। ठीक है, तो ये ले लिया ई, ए क्या होगा? ई से बड़ा हो गया और बी से छोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? सी इज द टॉलेस्ट, तो सी इन्होंने टॉलेस्ट दे दिया, तो सी आपने ये लग लिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? डी इज शॉर्टर देन बी, डी क्या है? बी से छोटा है बट टॉलर देन ए। डी क्या है? बी से छोटा है और ए से बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, डी क्या हो गया? बी से छोटा हो गया और ए से बड़ा हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा क्या बच गया? ई बच गया, यही आपका क्या है आंसर। ऑप्शन थे आपके पास बी ए डी ई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था बी, सेकंड था आपके पास ए, थर्ड था आपके पास डी, फोर्थ था आपके पास ई। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कौन बच गया इसके अंदर? ई बच गया। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, जो भी कंडीशन दी हुई है सबको इन बार से सेटिस्फाई करवाते चले,
लास्ट तक आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रंबस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन है ये, एट्थ। द पेरीमीटर ऑफ ए रंबस इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, देन आपको क्या बताना है, एरिया क्या होगा इसका, एरिया इस रंबस का क्या होगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, रंबस दिया हुआ है। रंबस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हों ऐसा क्वाड्रिलेटरल, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करते हों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों, ठीक है। एक रंबस की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों के चारों साइड इक्वल भी होंगी और अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और जो डायगोनल्स हैं वो क्या करेंगे, पाई बाई टू पे या फिर 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ना कि सिर्फ इंटरसेक्ट करेंगे बल्कि बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है इसको आप में डिवाइड कर देगा, जो दूसरा डायगोनल है इसको, ठीक है, और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, पूरी ये जो डिस्टेंस है इसकी चारों साइड्स का जो सम है वो क्या दिया हुआ है, 100। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम ही होता है ना, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 100। यानी कि अगर एक साइड की बात करूँ तो 100 को चार साइड हैं टोटल, चार से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 25। यानी कि एक साइड कितनी है इसकी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साइड है 25 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है कि एक डायगोनल की लेंथ कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। मान लेता हूँ कि ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ आपको क्या दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट लेंथ क्या है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो हमें पता है कि रंबस है, तो इसका जो सेकंड डायगोनल होगा इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। यानी कि ये जो लेंथ बच गई ये क्या है, 20, और ये इधर वाली भी क्या बच गई, 20, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री, क्योंकि जो रंबस के डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री, ये लेंथ क्या है, 20, ये क्या है, 25। तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। इसके अंदर ये आपका क्या है, बेस की लेंथ है 20, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 25, आपको परपेंडिकुलर की लेंथ पता नहीं है वो आप निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और उसका रूट कर देंगे तो क्या जाएगा आपके पास, जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ आई, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है ये कैसे पता चलेगी, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, 25 का स्क्वायर करूँगा तो 225, माइनस 20 का स्क्वायर करूँगा तो नहीं ये 625 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा ना, ठीक है, 20 का करूँगा तो 400, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये क्या आएगा, 625 में से अगर 400 घटा दूँ तो क्या आएगा, 225, और 225 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आता है, 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये जो लेंथ है ये कितनी मिल गई, 15, ये टोटल कितनी है, 40। अगर ये ट्रायंगल देखूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर बेस है आपका 40 और हाइट कितनी है, 15, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है, 40 इंटू हाइट कितनी है, 15, ठीक है। ये तो होगा इतने का, हमें किसका एरिया चाहिए, पूरे रंबस का, ठीक है। तो क्या करना होगा, जो ये ट्रायंगल है जिसका जितना भी एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये 15 है, ये भी 15 है, ये पूरी आपकी 40 है। फिर से अगर इसका भी आप एरिया निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ऊपर वाली के इक्वल आएगा, ठीक है। आपको टोटल रंबस का एरिया चाहिए तो क्या करना है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालकर दो से मल्टीप्लाई कर दो। एक ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 टाइम्स बेस कितना था, 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी आई है, 15, ठीक है। तो 40 × 15 डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया। अगर पूरे रंबस का चाहिए तो क्या करूँगा, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स दिस, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका क्या जाएगा एरिया, 15 × 60, 10 पहले से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एरिया आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास 300, सेकंड था आपके पास 600, थर्ड था आपके पास 780 और फोर्थ था आपके पास 900, ठीक है। तो एरिया आपके पास क्या आएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रंबस की आपको प्रॉपर्टी बताना चाहिए, आपको दिया हुआ है इसका पेरीमीटर,
यानी कि साइड क्या होगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, एक डायगनल दिया हुआ है, एक डायगनल की लेंथ कितनी दी हुई है 40। आपको पता है कि डायगनल जो रंबस के डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये साइड कितनी बच गई 20, ये भी कितनी बच गई 20, इस साइड का आपको पता लगाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 20 है, ये 25 है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का पता है तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं, वहाँ से ये साइड कितनी आ गई 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम है तो दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रंबस का एरिया आ जाएगा, वो आपके पास कितना आया है 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, यही आपके पास क्या था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एलोइज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, टू एलोइज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन। ठीक है, दो एलोय हैं, उसके अंदर दो धातु हैं। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर इन दोनों को मिलाया गया है और दो डिफरेंट एलोइज बने हुए हैं। ठीक है, उन दोनों को मिलाकर फिर एक तीसरा बनाएगा, उससे पूछेगा कि दोनों को किस प्रोपोर्शन में ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, टू एलोइज बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट एलोय। ठीक है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन इन द फर्स्ट एलोय इज कितना है, 1:3। ठीक है, 1:3 का क्या मतलब है कि वन पार्ट आपका क्या है कॉपर है और थ्री पार्ट आपके पास क्या है टिन है। टोटल अगर चार पार्ट बनाए हम उसके, चार इक्वल पार्ट, तो उसमें से एक पार्ट किसका होगा, कॉपर का, और तीन पार्ट किसके होंगे, टिन के होंगे। ठीक है, दूसरा है उसके अंदर क्या है आपके पास, इन सेकेंड रेशियो क्या है आपके पास, द रेशियो इज 2:5, द रेशियो इज 2:5। ठीक है, यानी कि अगर टोटल सात पार्ट में डिवाइड करूं उसको तो दो पार्ट उसमें किसके होंगे, कॉपर के, और पांच पार्ट किसके होंगे, टिन के। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड टू एलोइज बी मिक्स्ड। अब क्या है, इन व्हाट रेशियो शुड टू एलोइज बी मिक्स्ड, किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स करूं, दैट द न्यू एलोए सच दैट टू ऑब्टेन ए न्यू एलोए सच दैट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इज 3:8। ठीक है, यानी कि आपके पास पहले से दो एलोय हैं, एक के अंदर आपके पास 1:3 के रेशियो में है कॉपर एंड टिन, दूसरे के अंदर 2:5 के रेशियो में है, इन दोनों एलोयज को मिलाकर क्या बना दिया, थर्ड कंपोजिशन आ गई, उसके अंदर क्या है, कॉपर तीन पार्ट हैं और आपका जो है टिन है वो आठ पार्ट है। ठीक है, आपको बताना है कि फर्स्ट का कितना प्रोपोर्शन ऐड किया है और सेकेंड का कितना प्रोपोर्शन ऐड किया। ठीक है, तो दोनों में से, इन दोनों में या तो कॉपर की क्वांटिटी निकाल लो या फिर टिन की निकाल लो। ठीक है, अगर मैं कॉपर की निकालूँ तो क्या होगा, फर्स्ट के अंदर F1, फर्स्ट एलोय को F1 नाम दे दिया, सेकंड को क्या नाम दे दिया F2, और जो इनकी कंपोजिशन से बनेगा उसको नाम दे दिया F3। ठीक है, तो F1 के अंदर कॉपर की कितनी प्रोपोर्शन होगी, कॉपर क्या है 1:3 है, अगर चार पार्ट हैं तो उनमें से क्या है, एक पार्ट कॉपर का है। ठीक है, यानी कि 1/4 हो गया, क्या करना है, 1 कॉपर का पार्ट कितना है 1 डिवाइड बाई दोनों का सम। ठीक है, यानी कि 1/4 पार्ट कितने क्या है आपका, कॉपर है फर्स्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड के अंदर कॉपर कितना है 2/ दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आएगा 7, 2/7 पार्ट। ठीक है, और जो फाइनल बन क्या है उसके अंदर कॉपर का कितना पार्ट है, फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर को, यानी कि 3 डिवाइड बाई दोनों का सम क्या होगा 11। ठीक है, तो F3 के अंदर कॉपर का प्रोपोर्शन कितना है 3/11। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को F1 F2 को किस रेशियो में मिक्स करूं कि हमारे पास ये प्रोपोर्शन आ जाए, उसके लिए क्या होता है कि क्या करना हो, F1 माइनस F3 यहाँ
और F2 माइनस O, F3 माइनस F2 यहाँ लिख लो, या फिर F3 माइनस F1 यहाँ पर F2 के नीचे लिखो और F2 माइनस F3 F1 के नीचे लिखो, ठीक है। इन दोनों का जो भी रेशियो होगा उसी प्रोपोर्शन के अंदर हमने F1 और F2 को मिलाया होगा, तब जाकर आपका जो क्या है F3 आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, F1 में कुपर का कितना पार्ट है, 1/4, ठीक है, और F3 में कितना है, 3/11, ठीक है। तो क्या करूँ, यहाँ पर क्या कर दिया, F3 माइनस F1 कहाँ पर लिखूँगा, F2 के नीचे, यानी कि F3 क्या है, 3/11 माइनस F1 क्या है, 1/4, किसके इक्वल आएगा, LCM लूँ तो क्या आएगा, 44, ठीक है। ये क्या आ गया, चार ये 12 और माइनस 11, ठीक है, 12 माइनस 11 एक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि LCM लेकर अगर इसे सोल्व करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/44 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से अभी क्या किया था, F3 माइनस F1, ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि F3 बड़ा है और F1 में इसका प्रोपोर्शन कम है, ठीक है, इसलिए क्या कर रहा हूँ कि F3 माइनस F1 कर रहा हूँ ताकि ये नेगेटिव ना आए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, F3 माइनस F1, जब भी आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो मिक्सर आएगा वो एक से बड़ा आएगा और दूसरे से छोटा आएगा, ये इससे बड़ा था F1 वाले से तो F2 वाले से छोटा होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या करूँगा, F2 माइनस F3, F2 में क्या है प्रोपोर्शन कॉपर का 2/7, ठीक है, और F3 में क्या है, माइनस में आपके पास 3/11, ठीक है। इनको अगर सोल्व करूँ तो किसके इक्वल आएगा, 77 LCM, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, 11 × 22 माइनस 7 × 21, ठीक है, 22 माइनस 21 करूँगा तो 1, यानी कि F1 इज टू F2, यानी कि ये रेशियो हमें बताना था कि F1 और F2 को किस रेशियो में मिक्स करूँ कि आपके पास F3 आ जाए, ठीक है। तो F1 किस रेशियो में है, 1/77 रेशियो 1/44, ठीक है, ये 17 नहीं है, 77, ठीक है। दोनों में क्या है, 11 कॉमन है, 11 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4, यानी कि ये क्या हो गया, 1/7 रेशियो 1/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ गया, 4:7, ठीक है। तो यही आपका क्या आएगा, आंसर, ठीक है, यानी कि F1 के 4 पार्ट और F2 के 7 पार्ट, अगर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूँ तो हमें ये मिक्सर मिल जाएगा जिसके अंदर 3 पार्ट आपके क्या होंगे, कॉपर के, और 8 पार्ट क्या होंगे आपके, टिन के, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, दो अगर जो ये क्वांटिटी हैं जिनको मिक्स करना है वो ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ का मिक्सर है कि नहीं, दो क्वांटिटी का, तो उनमें से सिर्फ एक क्वांटिटी की आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है, तीनों ही केसेस के अंदर, और इस तरह से फिर ये जो क्रॉस वाला है फार्मूला, इससे आप निकाल सकते हैं कि उसकी क्या मिक्सर में आप उन दोनों को मिलाएं कि जो आपका रिजल्टिंग मिक्सर है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका आंसर था आपके पास 4:7 के रेशियो में, ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट ऑप्शन था 3:5, सेकंड था 4:9, थर्ड था 4:7 और लास्ट था आपके पास 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए सेड, ए कोई आदमी है, उसने कहा है, आदमी है या औरत भी हो सकता है, ए सेड, क्या कहा, दैट बॉय, किसी की ओर इशारा करते हुए इसने कहा, दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, I have no brother or sister. How is the boy related to A? ठीक है, ये मान लो A है, ठीक है, इसने किसी की ओर इशारा करते हुए कहा है, ये मान लो वो बॉय है बी, ठीक है, क्या कहा है इसने कि बी के बारे में क्या कहा है, दैट बॉय, यानी कि बी इज़ द ग्रैंडसन, यानी कि इससे एक जनरेशन ऊपर और इससे एक जनरेशन और ऊपर, यानी कि दो जनरेशन ऊपर जाना है हमें, ठीक है, ग्रैंडसन, यानी कि ये किसका है, ग्रैंडसन इसका, और ये कौन है, इसके बारे में क्या बताया है, किसका ग्रैंडसन बताया है, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, अब इसके बारे में बात हो रही है, इसकी मदर, इससे एक जनरेशन ऊपर जाएगी, ठीक है, इसकी मदर,
ठीक है, इसकी मदर का हस्बैंड क्या होगा, इसका फादर ही होगा ना, यानी कि इसका फादर कौन है, वही आदमी जो इसका ग्रैंडफादर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ग्रैंडसन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, और ये पर्सन कौन है, इसकी मदर का हस्बैंड, ठीक है, और इसकी मदर का हस्बैंड कौन होगा, इसका फादर, ठीक है, यानी कि ये जो आदमी है ये कौन है, ए का फादर है, ठीक है, और ये जो बी बॉय है ये कौन है, इसका ग्रैंडसन है, ठीक है, इसके फादर का ग्रैंडसन, और ए का ना तो कोई और भाई है और ना ही इसकी कोई और बहन है, ठीक है, यानी कि ए यहाँ पर है, ठीक है, ए के फादर का ग्रैंडसन, जहाँ पर ए का कोई और भाई या बहन नहीं है, ये इकलौता या इकलौती संतान है इनकी, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी का बेटा होगा, ठीक है ना, बी क्या हो गया, ए का सन हो गया, ठीक है, अगर इसका कोई और भाई होता, मान लो इसका एक भाई होता, तो ये क्या बन सकता था, इसका बी नेप्यू बन सकता था, ठीक है, और सन भी बन सकता था, उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कि हो सकता था कि ये बी ए का ही बेटा हो या फिर इसके भाई का या इसकी बहन का बेटा हो, ठीक है, लेकिन इसका कोई और भाई या बहन नहीं है, इसने कहा है कि आई हैव नो अदर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, ये क्या है, इकलौती है ए, ठीक है, ये क्या है, इकलौती बेटी है या बेटा है, किसका, इसका जो भी ये आदमी यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, जिसका ये बी ग्रैंडसन है, ठीक है, तो ए का क्या होगा, ये ए का क्या हो जाएगा, सन, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास अंकल, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये दो पीढ़ी नीचे क्या है, बॉय, ठीक है, और इससे एक पीढ़ी ऊपर क्या है, इस लड़के का या लड़की जो भी है ये, इसका फादर, ठीक है, यानी कि ये ए बी से एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है, तो बॉय ये जो बी है वो ए का अंकल तो नहीं हो सकता, ये तो सीधा ही कैंसिल है, ठीक है, सेकंड आपके पास है सन, ठीक है, इससे एक जनरेशन नीचे है तो सन हो सकता है, ठीक है, सन ही होगा इस डिस्कशन से अगर हम देखें तो, ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, नेफ्यू, नेफ्यू कब होगा, अगर इसका कोई और भाई या बहन होता तो नेफ्यू हो सकता था, इसका मतलब ये भी कैंसिल, ठीक है, फोर्थ आपके पास क्या है, कज़न, ठीक है, कज़न होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बी को इसी की जनरेशन में आना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ए क्या है, बी से एक जनरेशन ऊपर है, तो कज़न भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो कज़न भी नहीं हो सकता, सिर्फ क्या ऑप्शन बचता है आपके पास, सन, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, जो बाकी के 10 क्वेश्चंस बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।